इसकी इस कट को एआई के माध्यम से देखो बड़ा कर सकते हैं, एक लोवर टाइप का बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जुगनू सर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ जो है फुली टेक्निक, क्योंकि इसमें आप इसको देख के वीडियो को और आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक स्मार्ट तरीके से अपनी आपकी जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वो आपकी लगभग फुलफिल हो जाएगी इस वीडियो के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताने वाला। इसमें आपने बहुत ज्यादा एक वर्ड सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो यूज है, तरीके से यूज हो रहा है आज दुनिया। और तो और अब तो न्यूज एंकर भी आ गई है, जो आज तक पे दिखाया जाता है, आपने सुना होगा, शना नाम की न्यूज एंकर है जो AI बेस्ड है, फुली रोबोटिक है और वो आपको सारी अपडेट देती है। तरीके से वो न्यूज जैसे एक ह्यूमन न्यूज प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज न्यूज प्रोवाइड। AI की बेस में आपने अलेक्सा सुना होगा, गूगल जो गूगल होम है वो सुना होगा, तो ये सारे AI बेस्ड डिवाइसेस। अब AI बेस्ड जो वेबसाइट्स आई हैं उनसे भी आप कमाल कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, वो सारी फ्री में अवेलेबल। ऐसे ही आज मैं आप 10 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा और उनका यूज करने के बाद में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप कुछ नई चीजें सीखे। आप मेरे साथ में बने रहिए, पूरा फुल वीडियो देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आप वो सारी चीजें नहीं गेन कर पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहती या आप जो सीखना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट। इसमें मैं आपको और एक चीज बताऊं कि AI के व्याप पे अब तो वर्ल्ड कप का भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि AI के व्याप पे कि कौन उसको जीत सकता है। ये प्रिडिक्ट कर रही है AI कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है उस, या अब देखा जाएगा, बहुत निकट ही आ रहा है उसका वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट आने वाला है। तो AI का यूज करने के बाद में आप अपनी चीजों को स्मार्टली कर सकते हैं। जो एक व्यक्ति उस काम को लगभग 2 घंटे में करेगा, वो हो सकता है उसको आप 2 मिनट में खत्म कर, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ही सेकंड में वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपको सोचने में और समझने में टाइम लगे। इसीलिए अब तो एक कंपनी भी उस चीज को लेके आ गई है। एक कंपनी ने अपने सीईओ को भी अनाउंस कर दिया है जो AI बेस्ड रोबोटिक है, माइक्रा नाम है जिसका, एक बहुत ही MNC कंपनी है वर्ल्ड लेवल की, उसने अपना AI बेस्ड सीईओ बना दिया है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि वो 10 वेबसाइट बेहतरीन कौन सी हैं जिनके बारे में हम सीख के, जान के और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते। चलिए चलते हैं लैपटॉप की ओर और हम एक एक करके एक एक वेबसाइट के सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करती है और उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारी वेबसाइट के बारे में तो किस तरीके से ये वर्क। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो ह्यूमन सीईओ बनाया है जिस कंपनी में, उसकी मैं न्यूज आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मीट माइका द वर्ल्ड फर्स्ट एवर AI। ये रोबोट है और एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो रोबोटिक कंपनी ने ही रोबोट को सीईओ बनाया है। तो ये मैं न्यूज देख रहा था और ये तो आज तक पे भी आई थिंक ये न्यूज आई थी, आपने आई होप देखा होगा। तो ये भी उसी तरीके से फैसले ले सकती है जैसे एक ह्यूमन लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक व्यक्ति, एक इंसान तो गलती कर सकता है, लेकिन ये रोबोट जो है ना गलती नहीं कर सकता। ये जो डाटा है उसको एक्यूरेट तरीके से उसके हिसाब से जो डिसीजंस लेगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो कंपनी के केवल और केवल प्रॉफिट को लेके होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये कोई इस बात नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि किसकी सैलरी बढ़ाना है, किसको फायर करना है, क्योंकि इसको पता है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये प्रमोट करेगा, और जिसका परफॉर्मेंस नहीं है उसको ये हो सकता है उसी लेवल पे लेके आए जो भी है। तो चलिए मैं बात कर रहा था AI बेस्ड वेबसाइट्स की। तो सबसे पहले ये वेबसाइट मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस सारी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन से लिंक भी मिल जाएगी, तो आप बड़े ही नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, आराम से देखिएगा और इसको एक एक चीजों को समझते। ये है एक 11labs.io। ये जो वेबसाइट है इसका काम क्या है, सिर्फ क्या करती है कि आप इस पे कोई भी पैराग्राफ लिख के डाल दीजिए और उस पैराग्राफ को ये अपनी वॉइस में बना के दे दे, यानी कि आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके दे दे। आप अगर कोई वीडियो बना रहे हैं और आपको अपना फेस नहीं शो कराना है तो आप इस पर वो सारी स्क्रिप्ट लिख के डाल सकते हैं और उस स्क्रिप्ट को बाद में उस लैंग्वेज में आप जो मर्जी चाहे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस ऑडियो को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं किसी भी वीडियो में। तो
तो ये चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो चाहिए इसमें हो सकता है एक बार साइन अप मांगेगा, लेकिन साइन अप करने की आई थिंक नहीं जरूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। अच्छा, लिखने के लिए भी मैं आपको बता रहा था कि कोई एक स्टोरी राइट करते हैं जो मैं चैट जीपीटी से उठा लेता हूँ। इसको भी मैं बोलता हूँ एक प्रॉम्प्ट देना है इसको, मुझे एक स्टोरी बनाइए। ऐसे नहीं ठीक रहेगा, मेरे लिए एक स्टोरी बनाइए जिसमें एक बच्चा अमीर हो जाता है। स्टोरी को बता दें इन कितने वर्ड में बनानी है, ओनली 200 वर्ड। ये 200 वर्ड में एक स्टोरी बना के देगी चैट जीपीटी। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया सिंपल सा, और ये हिंदी में देगी क्योंकि मैंने हिंदी में इसमें राइट किया है। अगर इंग्लिश में करता तो ये इंग्लिश में करती। तो मैं इसको देखता हूँ, चैट जीपीटी अपना वर्क कर रहा है। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक चंचल सी जिंदगी बैठी थी। एक दिन एक गरीब परिवार से तालाब के किनारे, ये देखिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्टोरी राइट कर रही है चैट जीपीटी। और इसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री टूल है। जो भी मैं टूल बता रहा हूँ इस ऑलमोस्ट सभी फ्री है। हाँ, इनका पेड वर्जन भी है जो एडवांस लेवल पे आपको लेके जाएगा, बट आप बिगिनर्स के तौर पे आप सीखने के लिए इसको फुली फ्री यूज कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है। तो यहाँ पे इसने ये बना दिया। चलिए मैं छोटा सा एक थोड़ा सा उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली को। ये कहाँ गया हमारा लेवल लैब्स, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि इसमें क्या है, वॉइस वगैरह किसकी लेनी है। ये नाम दे रहा है जिसकी जिसकी भी वॉइस आपको चाहिए वो ले लें। ये क्या है ना, वॉइस के वर्जन है, जो भी मैन है फीमेल है जो जिसकी भी लेनी है उसकी आप वॉइस ले सकते हैं। किस लैंग्वेज में लेनी है ये यहाँ से आप लैंग्वेज हिंदी देखिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं ना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। उसका रीजन क्या है कि ये जो मैंने लैंग्वेज इसमें राइट की है वो इंग्लिश है, बिकॉज इंग्लिश के वर्ड है हिंदी में लिखे हुए हैं। अगर आप इसको प्योर हिंदी में लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली वही प्रोनाउंसिएशन करेगा जो आपने लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन टूल है, और यहाँ से आप इसको वॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में ये फुली वर्क करेगी। तो टूल का आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया किसी भी वीडियो में ऑडियो में जहां पे आप यूज करना चाहें। तो इस तरीके से ये आपको पहली वेबसाइट जो मैंने बताई levellabs.io। नेक्स्ट है फेस स्टूडियो। ये क्या करती है वेबसाइट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। ये वेबसाइट करती है कि आप किसी भी इमेज अमेजिंग कीजिए कि कोई मुझे फेस चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए, किस देश का चाहिए, तरीके का चाहिए, वो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं और उस तरीके का ये फेस बना के आपको दे देता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये है बेसिक एडवांस वर्जन है वो जो इसका वो पेड होगा। बट मैं एक एक मेल का या जेंडर ले लेते हैं, यहाँ से फीमेल मैंने ले लिया। 20 यानी कि वो कितनी एज का होना चाहिए, किस किसका उसका होना चाहिए, उसका फेनोटाइप क्या होना चाहिए यानी किस लोकेशन का होना चाहिए। तो यूरोपियन है, अफ्रीकन है, वेस्ट एशियन है, साउथ एशियन, फिर साउथ ईस्ट एशियन। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे वेस्ट एशियन, ठीक है, जनरेट करता हूँ। जनरेट करने के बाद में देखिए ये वर्क कर रहा है, और वर्क करने के बाद में आपको एक चेहरा प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए ये आपको चेहरा प्रोवाइड कर दिया, जैसा मैंने वेस्ट एशियन का डाला तो ये चेहरा प्रोवाइड कर दिया। अब इसको मैं एज कैटेगरी में चेंज करता हूँ, लाइक 30 एज का करता हूँ, अगेन जनरेट करता हूँ। तो इसकी जो एज है 20 से 30 हो जाए। देखिए ये 30 एज की होगी लेडीज वो भी है। अब श्रीमती जी को मैं 50 इयर्स की करके देखता हूँ कैसी लगेंगी। और ये जो इमेज दे रहा है ये फुली एआई बेस्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहीं से डाटा उठा के दे रहा है, फुली एआई बेस्ड है। यहाँ ऐसा हो सकता है कोई इंसान हो, अदरवाइज ऐसा इंसान नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक बनाया हुआ है चेहरा। ये देखो इसने बना के दे दिया। अब मैं इसको अगर फेनोटाइप को चेंज करूंगा तो इसको साउथ ईस्ट एशियन करता हूँ मैं। अब देखिए क्या बन के आता है, ये साउथ ईस्ट एशियन की चेहरा है। देखिए ये बहुत ही अच्छा टूल है कि आपको कहीं इमेज की रिक्वायरमेंट है और उस इमेज को आपको यूज करना है सीवी में, तो वो सारी चीजें बहुत ही आउटडेटेड हो गई जो फोटोज वगैरह आप यूज करते हैं, जैसे कि उसका भी एक एडवांस चीजें आ गई, वो भी मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊं। बट इसमें आपने ये देखा कि आप किस तरीके से इसका यूज करके और किसी भी उसका लोकेशन का पर्सन को किस तरीके से बना सकते, चेहरा यहाँ पे निकाल के आप यूज कर सकते। नेक्स्ट थर्ड है हमारी साइट, इसका नाम है drawingnow.com। ये drawingnow.com क्या है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें आप अपने बच्चे हैं आप वो ड्रॉइंग अगर करना चाहते हैं और करना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आपको ड्राइंग करना सिखाता है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना सिखाया जाएगा। देखिए कैसे, चलिए करके देखते हैं। फॉर किड्स मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको हाउ टू स्टेप बाय स्टेप इजी दिया है। इसमें आप इन वेबसाइट के साथ में बड़ा खेल सकते हैं और आराम से सारी वेबसाइट को यूज करके आप बहुत सारी चीजें
नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक इजी इमेज उठा लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, हाउ टू ड्रॉ मेरियो। मेरियो को मैं एक बार डाउन, इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। ये मेरियो है, ठीक है। इस मेरियो को थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से सारी चीजें स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं। प्ले कंटिन्यूसली है, यहाँ पे आप करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जो ऑटोमेटिक प्ले करता रहेगा। तो मैं एक एक स्टेप को करके देखता हूँ। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इसने एक एक गोला बनाया है, ठीक है। जब प्ले कंटिन्यू कर दिया तो शायद वही ऑटोमेटिक चल रहा है। ओके, थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है। ये 5-7 स्टेप पे ये इसने ये किया, यानी एक एक चीज को ये बहुत ही आसानी से कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है वो आप देख सकते हैं। आप 10 स्टेप 10 स्टेप 11, यहाँ पे आपके बच्चे ना ड्राइंग करना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आपको वर्क करता रहेगा और आप वो ड्राइंग करवाना सिखा सकते हैं कि किस तरीके से ड्राइंग की जाती है। क्योंकि इस तरीके से हो सकता है वो टीचर भी नहीं बता पाए जो आपके बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये AI बेस्ड है, इसमें कोई आपका एक्सपेंस नहीं लगने वाला है। सिंपली आप ये बच्चों को और ये आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरीके का जो ड्राइंग से रिलेटेड आपकी चीजें हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सभी किसी भी तरीके की ड्राइंग को आप यहाँ पे सिखा सकते हैं अपने बच्चों। नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है, ये है फॉर्मूला बोर्ड। फॉर्मूला बोर्ड ये हमारे ये लगभग हर उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो व्यक्ति लगातार एक्सेल पे काम करता है और उनको एक्सेल की बहुत सारी फॉर्मूले याद नहीं रहती। तो उन फॉर्मूला को यहाँ पे आप बड़ी इजीली तरीके से सीख सकते हैं और वो उसको एक्सप्लेन भी कर देता है। तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई साइन अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करते हैं। इसको भी हम करके देख लेते हैं, फॉर्मूला बोर्ड को। फॉर्मूला बोर्ड में क्या है, जनरेट नाउ पूछ रहा है, फॉर्मूला लेना है, स्क्रिप्ट लेनी है, आपको वेज टास्क लेनी है या रिक्वेस्ट लेनी है, ये सारी चीजें हैं ये जो करके दे सकता है। तो मैं एक फॉर्मूला को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, आप एक्सेल भी चूज कर सकते हैं, गूगल शीट भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। आप सर कर सकते, जनरेटेड, जनरेटेड पे जाएंगे तो जनरेट करेगा। ओके, और ये अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इन कॉलम A100। तो देखिए इसने एक सारा आउटपुट बना बता दिया है कि अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। कॉलम डी में आपका क्या है, T1 में क्या है, A1 में क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो आपका परसेंटेज जो है निकल आएगा। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है इसने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं इजीली। और अगर आपके पास में कोई गूगल सीट है या फिर एक्सेल है और जिसमें जिसमें कुछ चीजें हैं और उसको आपको डाटा को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इसको अपलोड भी कर सकते हैं। वो सारी भी चीजें भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वेबसाइट है, गिफ्ट गिफ्ट द आइडियाज AI.xyz। ये है आपकी वेबसाइट गिफ्ट के लिए, यानी कि आपको कोई गिफ्ट प्लान करनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी को जो गिफ्ट देना चाहता हूँ वो क्या दूँ। चाहे हो सकता है आप अपने बच्चों को दो, वाइफ को दो, या फिर मदर फादर, या किसी किसी भी फ्रेंड को दो। गिफ्ट आपको क्या देनी चाहिए, किस ओकेशन पे देना है, कौन सी गिफ्ट, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता देगा। और ये अमेजोन के साथ में भी टाई अप है, तो वहां पे लेके जाएगा जिस वेबसाइट, उसी वेबसाइट पे, अमेजोन पे, और वहां पे वही प्रोडक्ट आपको शो करेगा जो आप चाहते हैं आप गिफ्ट दे सकते। चलिए इसको भी मैं एक डेमोस्ट्रेट करके देख लेता हूँ कि इस तरीके से होगा। फाइंड द परफेक्ट गिफ्ट, सबसे पहले आप इसमें जेंडर चूज करेंगे, आप किसको देना चाहते हैं, मेल को देना चाहते हैं, फीमेल को देना चाहते हैं। तो मैंने चूज कर लिया ये फीमेल के लिए। एज रेंज है, चलो मैं अंडर 12 ले लेता हूँ। रिलेशनशिप में मैं ले लेता हूँ चाइल्ड। प्राइस ले लेता हूँ अंडर $20। गिफ्ट टाइप ले लेता हूँ प्रोडक्ट। इंडस्ट्री ट्रेवल, फैशन, कुकिंग, ड्रिंकिंग, और क्या क्या देख लेते हैं। रीडिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक, गेमिंग, फोटोग्राफी, तो जो भी आप इच्छा है वो दे सकते हैं। ले, मैं टेक्नोलॉजी ले लेता हूँ। ट्रेवल भी, फैशन भी, इसमें ये भी ले सकते हैं आप फैशन का। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल चूज कर सकते हो, मल्टीपल चूज कर सकते हो कि क्या बच्चे को देना है आपको। ठीक है, बर्थडे है, एनिवर्सरी, वेडिंग, ग्रेजुएशन, क्रिसमस, क्या है, बर्थडे पे ले लेता हूँ मैं। सर्च करते हैं, अब देखते हैं इसका मैसेज। ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है, क्या आप बाय कर सकते, आप अपने बच्चे के लिए क्या बाय कर सकते हैं। LED लाइट, आप शूज लेसेस और फैशन डिजाइन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए मैं इसको LED लाइट प्रोडक्ट्स को करके देखता हूँ क्या है। ये देखिए इस तरीके के शूज दिखा रहा है कि ये शूज को आप बाय कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और ये अंडर $20 के अंदर में आप खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है कि जहाँ पे आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, नई नई चीजें देख सकते हैं, उनका यूज भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, बाकी की चीजें आप इस पे जाके सर्च करेंगे और आप उस पर थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करेंगे तो जरूर
आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। चलिए गिफ्ट वाला हो गया है, नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है, ये है आपका फोटो एडिटर, फ्री AI फोटो एडिटर। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है जो लगभग सभी ग्राफिक डिजाइनर यूज भी करते हैं, क्योंकि अब वो सारी चीजें आउटडेटेड हो गई हैं कि ग्राफिक्स में उसमें फोटोशॉप में जाके आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चुटकियों में कर सकते हैं सारे काम। आपको चाहिए क्या, देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, इसमें डेमो भी दे रहे हैं कि ये देखो इसके पिंपल्स हैं, अभी गायब हो जाएगी। सिंपल आपको केवल देखिए, हो गया, ये व्यक्ति यहाँ से गायब हो गया, ये पेन है डायरी पे से गायब हो गया, ये देखिए ये फर्श है ना, इस पे लैपटॉप वेपटॉप सब कुछ गायब हो गया। तो ये सारी चीजें वही कर सकते, ये कौन कर सकता है, ये टूल कर सकता है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज डाल के देख लेता हूँ। इमेज चलिए मैं उठा लेता हूँ, इसमें से ये मेहंदी वाली इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ब्रश चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ये फूल गायब करता हूँ, ठीक है। ये देखो फूल है और ये मुझे यहाँ से हटाने हैं, ठीक है। क्लीन बाय, गायब हो गया ना। तो ये कितना बेहतरीन टूल है, क्या आप क्या चीज गायब करना चाहते हैं वो सारी चीजें वहां से हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से ये फूल लिए, फूल को मैं हटाना चाहूंगा तो हट जाए, और सरफेस भी वही आ जाता है जो होना चाहिए, जो साइड में आपको दिख रहा है इसका सरफेस है वही के नीचे आ रहा है। देखिए आप इसको दोबारा से भी इरेज कर सकते हैं, इसे इरेज लेके दोबारा करेंगे दोबारा क्लीन हो जाएगा। तो ये और ये इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती हैं आपके पास में तो उसको आप इस टूल के माध्यम से यूज कर सकते हैं हटा। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट आपने देख ली, इसको आप यूज कीजिएगा जैसा भी आपकी मर्जी है वैसे। ब्लॉकेट लैब्स, ये क्या है, ये वेबसाइट ऐसी है जो आप बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं, कि जैसे आप वीडियो बना रहे हैं या आप अपना फोटो एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आप स्पेस में अपना फोटो खींचना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप वो सारी चीजें दे सकते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट डालेंगे इसमें, जो भी प्रॉम्प्ट डालना चाहें, आप प्रॉम्प्ट डाल के देखता हूँ आपको समझ में आएगी चीज। वेडिंग हॉल या फैंटेसी, ये भी पूछ रहा है कैसा चाहिए आपको, रियलिस्टिक चाहिए, इल्यूशन चाहिए, फैंटेसी चाहिए, ये सारे टाइप्स हैं, उस तरीके का आपको मिल जाएगा। चलिए मैं रियलिस्टिक लेता हूँ पहले, जनरेट स्टाइल सेलेक्ट कर ली मैंने, क्रिएट कर रहा है। 3D फोटो होगा आपका, कम्प्लीटली 3D होगा, जो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे फोटो आपको कहीं भी सर्च करने से नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी फोटो स्टॉक वगैरह पे तो वहाँ पे वो चार्जेबल रहते हैं, और उनमें अगर आप फ्री डाउनलोड करोगे तो वाटरमार्क लगाता है, लेकिन यहाँ से आप अपना जो भी फोटो आपको क्रिएटिविटी दिखाओगे वो सारे फोटो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा वर्क कर रहा है क्योंकि इसका मैंने जो वेडिंग हॉल इन स्पेस थोड़ा सा वर्ड लिखा है, अगर इसको अच्छे से स्क्राइब करके लिखता तो हो सकता है जल्दी बना देता, क्योंकि आप जो चीज यही को जो समझाना चाहोगे वही सारी चीजें वो लेके आएगा, वो जो अंडरस्टैंड करे। ये भी एक इंजीनियरिंग होती है कि आपको क्या चीज तरीके से राइट करनी है जिससे आपको राइट रिजल्ट मिले, उसका बेहतरीन रिजल्ट। इसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आपने ये सारी जो भी वेबसाइट्स वगैरह देख रहे हैं ये आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात अगर आप अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य देना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं, तो ये चैनल उनके लिए जरूर सब्सक्राइब कराइए, और उनसे इस चैनल के जो भी वीडियोस वगैरह हैं इसमें मैं डालता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें, आप वॉच करा सकते कि जो है लर्निंग पावर जरूर बेहतरीन। ये देखिए ये एक वेडिंग हॉल बना दिया है उसने, और स्पेस का ये मैंने बोला था वेडिंग हॉल इन द स्पेस, देखता हूँ ये स्पेस इसने जो समझा है वो रियल में वो स्पेस समझा है या स्पेस यानी कि ज्यादा बड़ी जगह। ये वेडिंग हॉल तो सही से बनाया है इसने, वो 3D बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं काफी स्पेस है। अब ये स्पेस मैंने आपको बताया ना कि प्रॉम्प्ट आपको ऐसा देना है जो अंडरस्टैंड करेगा वही बना के देगा, लगभग उसने वो जो चीज मैं चाह रहा था वो बना के दे दी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पे आप जो है बना सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको लेयर्स डालनी है, आपको ये देखिए ये लेयर्स डालनी है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, और इसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो और नई नई चीजें आप सीख सकते। चलिए अपने नेक्स्ट वेबसाइट की ओर चलते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें आपको मैंने 10 वेबसाइट के बारे में जो बताया है उनको पूरा ही करके रहूंगा, वो लगभग हो गया है क्योंकि अभी तक मैंने अभी आई थिंक आपको 9 वेबसाइट के बारे में बता दिया, एक और बच रही है जो है हमारी, ये वेबसाइट है जो है बिकाई, ये ड्रैग योर गेन इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं ये पॉइंटेड जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे देखो पॉइंट, यानी कि एक ये एक लाइन का जो है शेर का मुंह है और उसको पॉइंट लगा के किस तरीके से आप मुंह फाड़ सकते, आप मुंह इसका मोड़ सकते, आंख बंद कर सकते, देखो इसके कपड़े बड़े कर सकते हैं, गाड़ी को छोटा कर सकते हैं या इसका उधर कर सकते हैं, यानी ये पूरा मॉडल ही चेंज कर देता है। आप देखिए इस डॉग को देखिए यहाँ पे, इसका जो है डेमोन्स्ट्रेट में ये देखो, देखिए ये
ये कुत्ता बैठ गया है और यहाँ पर देखिए इसका जो है शेर का मुंह कैसे मोड़ दिया, और मोड़ना यानी कि पोजीशन ही पूरा चेंज कर देता है। ये जो वेबसाइट है इसमें आप अपनी इमेज डालिए और उसको कैसे करना है, उसके साथ में क्या करना है, हंसाना है, रुलाना है, बैठाना है या खड़ा करना है, उसके कपड़े कितने बड़े करने हैं, वो सारी चीजें इस पे कर सकते। ये वेबसाइट ना बहुत ही गजब बनाई हुई है, क्योंकि इसमें एक चीज और मैं बताऊं, इस वेबसाइट को जो बनाने वाले हैं वो इंडियन भी है। इसका आयुष तिवारी नाम है, आप देख रहे हैं आयुष तिवारी। ये देखिए मैं इनका जो है ब्लॉग भी है, ये देखिए MIT से है और ये इन्होंने इसका जो कोडिंग भी की है। तो ये वेबसाइट का जो है ये अभी इस पे वर्क भी चल रहा है और इसको देखिए गूगल वगैरह ने इसने इसने काफी सराहा है इस चीज, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ही यूनिक चीज है। क्योंकि आप किसी भी फोटो को आप मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं और उसके पोर्शन भी सेम वैसा लगेगा कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक है इमेज। देखिए इस लड़की का एक बार वीडियो देखते हैं तरीके से। ये देखिए अभी इसका स्माइल है जो क्या करना चाहते हैं, ये देखिए ये स्माइल सेट कर रहा, देखिए चेहरा ही चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अभी इसके क्लॉथ के बारे में दिखाया, क्लॉथ यहाँ तक लेके आ बड़े हो क्या चाहिए, जो स्कर्ट थी उसको उसने लोअर टाइप बना लूज बना दिए पूरे कपड़े। तो ये सारी चीजें करके देख सकते हैं आप किसी भी इमेज। अब इसके क्या है ना, पैरों को पास में लेके आना है, दोनों पैरों को पास में लेके आ रहे हैं। ये देखिए पोजीशन भी चेंज हो गया पूरा यार। भाई फोटो के साथ में आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, फेस का, ह्यूमन का, क्लॉथ का, सारा। गाड़ी को देख, गाड़ी का क्या करने, भाई गाड़ी का पोजीशन चेंज हो गया, गाड़ी मोड़ दी है, ये लो गाड़ी की बॉडी चेंज कर दी। तो साहब ये थी सारी वेबसाइट जो मैंने आपको बताई। अभी एक वेबसाइट और रह गई, माफ कीजिएगा, जो है डिजिटल टॉक। ये क्या करता है सर, मैं ये करता क्या है, ये क्या है ना, डॉग्स को ट्रेनिंग देने के लिए। डॉग्स को आप ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, इसके माध्यम से। ये डॉग्स के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है ना, डॉग्स को आप ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से डॉग को चीज लेके आएगा, वो सारी चीजें हैं इसमें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं इसका। यार AI भी ना बिल्कुल यानी कि इंसान से भी आगे बढ़ रहा है। देखिए इस डॉग का पोस्चर देखिएगा, हैप्पी, तो ये हैप्पी हो गया, सैड, ये सैड हो गया है, लाफ, हंसने लगा, एंग्री, ये देखिए एंग्री हो, सरप्राइज, यॉन, ब्रॉक, नॉइज रिंकल कर रहा है, देख सूंघ रहा है कुछ चीज। और भी बहुत सारे बेसिक हैं इसमें। ये देखिए ये भी है, हाँ इसको भी आप करके देख सकते हैं। इसमें आप चीजों को फेंक सकते हैं और आपका जो डॉग है ना वो वैसी चीजें करेगा। इस तरीके से आप इन वेबसाइट का यूज करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और नई नई चीजें बना सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको जो बताया है ChatGPT, ChatGPT है, इसमें भी आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और ये तो सबसे बढ़िया मेरे को टूल लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजी तरीके से बहुत कम समय में कर सकते हैं। आपको कोई पैराग्राफ राइट करना है, आपको मेल टाइप करना है, आपको या फिर कोई ऐसे टाइप का ऐसे बनाना है, आपको बच्चों के लिए कुछ स्टेप्स बताने हैं, आपको रूटीन बनाना है, आपको प्लानिंग करनी है कहीं जाने की, आपको कोई मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, या आपको ब्लॉग राइट करना है, आपको वेबसाइट के लिए कोई पैराग्राफ डिजाइन करना है, राइट करना है, तो वो सारे स्टेप्स इसमें कर सकते हैं आप। बहुत ही वैसा ही प्रॉम्प्ट दीजिए और उस तरीके का आपको वो पैराग्राफ डिजाइन करके देता है। तो ये थी सारी वेबसाइट्स, और इन वेबसाइट का मैं भी डेफिनेटली यूज करता ही हूँ, आप भी यूज कीजिएगा। कि सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप अगर हमारे साथ में जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।